गाँव शहर सारा गुंजाओ हे यो हो रेडियो सांदी 96.4। रेडियो सांदी 96.4। बिरगस महानगरपालिकाको अनुरोध बाल श्रम प्रयोग गर्नु कान जी नमस्कार प्रणाम सुनवलवानी रेडियो सानवे छियानवे बुनका चार मेगाहर्ज रेडियो सानवे छियानवे बुनका चार मेगाहर्ज के कार्यक्रम स्थानीय सरकारले के हमेशा की जैसन उपस्थित हो चुकल बानी। हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल प्रविधि बानी विशाल जी। कार्यक्रम स्थानीय सरकार में स्थानीय विषय वस्तु पर विशेष करके हमने बातचीत करता आइल बानी सर। और पछिल्का समय स्थानीय तह के निर्वाचन भी सम्पन्न हो चुकल बा और स्थानीय तह के निर्वाचन सम्पन्न होके जनप्रतिनिधि लोग अपन काम में भी खर्च चुकल बा। लोग बहुत जगह नया जनप्रतिनिधि आइल बा लोग तो बहुत जगह पुरन के जनप्रतिनिधि लोग के निरंतरता देवल गई बा। यानी कि अधिकांश जगह नया जनप्रतिनिधि आइल बा लोग पाँच बरस के बाद और पुराना जनप्रतिनिधि लोग के टाटा बाय बाय स्थानीय जनता कैले बाटे स्थानीय तह के। अब कि चुनाव में आज भी हमने एक जने अतिथि लेके आइल बानी सन जनप्रतिनिधि के, वहाँ भी नया निर्वाचित भइल बानी। आज के हमने अतिथि बानी बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 30 के वडा अध्यक्ष मनोज कुमार यादव। वहाँ भी स्थानीय तह के निर्वाचन में अब गे नवनिर्वाचित होके पदभार ग्रहण करके काम काज भी शुरू कर चुकल बानी। वहाँ से वहाँ के आगामी रणनीति बारे हमने जानकारी लेम सन। काहे कि अभी अभी नया बालोग बाद में काम करत जाई लोग का करे लोग ओकरा बारे में भी हम बाद के इंटरव्यू में फिर से पूछे सन। लेकिन अभी कहीं ना अर्ली टाइम बाटे ओके चलते हमने सबसे पहले उ लोग से का बाटे उ लोग की योजना एक बारे में जानेम सर। वड़ा अध्यक्ष जी हमने के कार्यक्रम में आ चुकल बानी, वहाँ से बातचीत कर जाऊँ। वड़ा अध्यक्ष जी कार्यक्रम में स्वागत बा अपने के। धन्यवाद जी। रौरा नया निर्वाचित होके आइल बानी और युवा भी बानी, अब पाँच वर्ष अपने के वार्ड चलावे के बाद महानगर के वार्ड का योजना बा अपने के? सबसे पहले हमार पहले भी चुनाव से पहले आज योजना ना चुनाव से पहले हमने के योजना बन चुका है। हम अपने को मेरो प्रतिबद्धता करके सार्वजनिक भी कर ले रहे वार्ड स्तर में, जौन की पहल का प्रतिबद्धता हमारे सबसे पहले स्कूल पर हम रख ले रहे शिक्षा दूसर का में स्वास्थ्य ओकरा बाद में रोजगार उ हिसाब से हमने के लगभग लगभग 21-22 गो हमारे प्रतिबद्धता रहल जी योजना रहल बा। शिक्षा में स्वास्थ्य में शिक्षा में कैसा अपने के प्रतिबद्धता रहे का करे के शिक्षा के अवस्था का बा और का करे के योजना बा? जैसे कि हमने के समाज में बहुत ऐसा मतलब के कारण से किताब सरकार भी देवेला लेकिन फिर भी कापी कलम कपड़ा सप्ला ये सब भी जुटाने में भी बहुत समस्या रहला हमने के समाज में। जैसे कोनो हमने के समाज धनाकड़ चाहे वैसा किसी के नहीं के जे पैसा के अभाव वैसा किसी के नहीं के गरीबी के कारण बहुत भी बच्चा भी मतलब विद्यालय भी पुगे नहीं के सकल वैसा वैसा भी अवस्था भी बाटे हम देख ले बने हम अपना हम समाज के वैसा ही मतलब कथी बाकी कि हम सबसे पहले हमारे घोषणा पत्र में हम कथी रख ले रहनी कि जब हम चुनाव जीतन तो पांच वर्ष खातिर शैक्षिक सामग्री जो कापी कलम बाटे पूरा फ्री करे के हम एगो सोच रख ले रहनी हमारे प्रतिबद्धता पत्र में भी रहे। हम जहिया वार्ड कार्यालय में पदभार ग्रहण कैली हम फर्स्टे निर्णय हम वही तरह से कैली पांच बरस खातिर कापी कलम जौन तीन गो स्कूल बा एगो मदरसा स्कूल बा एगो प्राइवेट स्कूल बा एगो आधारभूत निमावी स्कूल बाटे तीनों स्कूल में जितना भी बच्चा पढ़ता है उस टोटल बच्चा के पूरा कापी कलम फ्री करे के हम अपन घोषणा भी कर दिल बानी निर्णय भी हम कर चुकल बानी सर अपना। और दूसर का हमने के जैसे कि हेल्थ पोस्ट पहले रहे कोठा में चले उप स्वास्थ्य चौकी रहे दू गो कोठा में चले वो टूटल फूटल रूम रहे वो में हमने के एगो हमने के गांव के एगो बुद्धिजीवी रनी मुनि राउत अहिर बाबा बाबा हमने कहीं सन वहाँ के तो वहाँ से हमने पहल करके लगभग लगभग 2.5-3 करोड़ के जगह हमने
चंदा में दिवाग एकदम आकर्षित सुंदर भवन बनल बा बर्थिंग सेंटर लाइव भवन बनल बा बन चुकल बाटे। और ओमे हमनी के दूसर का हमर निर्णय ई भी कहनी जे एगो खून पेशाब चेक करावे खातिर हमनी के बिरगा जाइल जाला तो 200 रुपया मानदानी फीस लागेला खून पेशाब चेक करे के, तो 300 रुपया हमनी के गाड़िये भाड़ा नाश्ता में उड़ जाला। 200 रुपया के चेक कराब 300 रुपया हमनी के गाड़िये भाड़ा नाश्ता में उड़ा जाए। तो उससे हमर दूसर का निर्णय कहनी यहाँ खून पेशाब चेक करे ला एगो लैब के व्यवस्था करे के, वो भी हमने निर्णय अपन घोषणा कर चुकल बानी सन। वडा से संभव भाई लैब के व्यवस्था कइल वडा से संभव संभव बाटे संभव बाटे कही जाए तो कुछ भी सब की संभव बा ना करे के अगर सोच में दिमाग में हुई तो कुछ भी संभव नहीं छे। अगर सोचल जाए तो सब संभव बा ना करे के चाल जाए तो कोनो चीज संभव नहीं है। लैब छोड़ के बर्थिंग सेंटर ही बनावला पर अच्छा रही काहे कि ग्रामीण क्षेत्र के भवन तो बर्थिंग सेंटर लाइबा ठीक बा। बर्थिंग सेंटर खातिर हमनी के भी पहल ई बात नहीं के जे हमरे ओकर खातिर पहल नहीं के ई हमनी के कर के ओकरा बाद माने इहे साल में बर्थिंग सेंटर खातिर भी अपन प्रोसेस हमनी अगाड़ी बढ़ेम सन वो भी अगाड़ी बढ़ेम सन लेकिन एकरा के कंपलसरी हम अपीर करबे करम सन कह के ओ हिसाब से हमनी के अगाड़ी हो। ओकरा बाद में हमनी के जैसे कि संसेविका लोग बाटे 500,000 रुपया में महीना के उल्टा 1,000 रुपया मिलवे कर हजार रुपया तो समस्या 1,000 रुपया आज देखल जाए तो 1,000 रुपया माने कामना एंगल से अगर सही बा माने नाश्ता के कहल जाए तब भी मतलब उस सही चीज नहीं डेली के अगर कहल जाए तो 33 रुपया हुई वेनु तो वो भी नहीं है सही। तो कम से कम उ लोग के कुछ प्लस हो को 1,000 बा 2,000 करे के उ हिसाब से हम अपन विजन भी ले लेबानी। जैसे कि हमर उनके हेल्थ पोस्ट के अगाड़ी जगह बा लगभग लगभग 5 गो सेटर हम बना सकता नहीं सन 5 गो सेटर हम बना देता नहीं तो हम लगभग 5 दुना 10,000 रुपया हमने किराया आई जी जी किराया 10,000 रुपया होता तो हमने के 9 गो संसेविका लोग बाटे 1,000 रुपया थपा सकता हमने के 1,000 बा 2,000 हो जाए उन लोग के। तो 5 गो सेटर अगर 5 गो आदमी के हमने के गांव के समाज के 5 आदमी के हमने के दे देता नहीं सन तो 5 गो आदमी दुकान में अथी खोल के बैठ जाता तो 5 आदमी के तो रोजगार हो गल 5 आदमी के घर पाले ला तो समस्या ना बल नौकरी देवे खातिर समस्या ना बल। तो ये वो काम से हमने के 2-3 गो फायदा हो खता वो हिसाब से भी हमने के ओकरा के भी हमने के आज हमने के जन स्कूल व्यवस्थापन समिति के गठन भी स्कूल उप स्वास्थ्य के हमने के व्यवस्थापन समिति के गठन भइल हुए स्वास्थ्य कर्मी लोग गुनासो हमरा करत रह लोग वहाँ थोड़ा सा स्वास्थ्य में गुनासा बा कह के करत रह लोग गुनासो गुनासो कल भी एकदम जायज बाटे एमे कोनो आज से कहल जाए तो 35 साल माने एमाले के हमनी के सरकार रहल बाटे 35 साल में हमनी के विकास हम कथी कहें सारा लोग जानता है का विकास भइल बा कथी भइल बा कह के हमरा एगो कहला से ना होई समाज बतावे वाला चीज लौकत आते विकास नहीं के भइल ओइसे तो जनता अपने के वोट देके जीतैले बा ई बात अपने के समझे के पड़ो। तो ई तो ई चीज समझता नहीं सन तो एकरा बाद में मतलब हमनी के ई आज कइला कइले भी बानी सन ई मतलब 35 बरस में जौन काम नहीं के भइल 3 बरस के अंतराल में हमनी के माननीय प्रदीप यादव जी के और माननीय हमनी के प्रदेश सभा सदस्य माननीय जनत अंसारी जी के सहयोग से सपोर्ट से हमनी के मतलब उतना काम करके भी देनी सन तो उससे हमनी के जनता भी हमनी पर विश्वास कैलक जे लोग अगर नहीं थे पोस्ट में तो अपना नेता जी लोग से मतलब प्रेशर करके पहल करके इतना काम कर सकता रहन लोग अगर चुनाव ये लोग जीता था ना कर सकता था लोग ओकरा बाद में युवा भी बानी सन पढ़ल लिखल भी बानी सन तो कहीं ना कहीं तो कुछ नया करे के सोच तो रही कुछ नया देखे के सोच भी रही एकदम क्लियर भी बात बाटे में
कोनो शंका के भी बात नहीं थे, कुछ नया ही काम हुई कह के अपने के भी देखे के मौका मिली जी। आज हमने के फर्स्ट साल बा अपने के पांच बरस के आवे वाला चुनाव में अभिन के अपन एगो ऊपर हम के एगो गांव के एगो वीडियो बना ली, कुछ नहीं तो एगो रिकॉर्ड बनाई, रिकॉर्ड होता अपने अपने के रिकॉर्ड अपने के जोन बात बोलता नहीं। पांच बरस के बाद वरादित जी अपने जोन बोला था नहीं वो रिकॉर्ड बा, ये हर दफ रिकॉर्ड रही जिंदगी भर रही। अभी जोन बोले वाली तीन साल में अगर ना करें तो ये रिकॉर्ड हमने लगे हर दफ रही। अपने पांच वर्ष में खुद महसूस हुई जो का भइल बा, 35 वर्ष में का भइल रहे, आई पांच वर्ष के भीतर में का भइल बा प्रश्न लौकी के बात नहीं। शिक्षा के अवस्था एकदम नाजुक बा वहाँ, काहे कि वहाँ के धनिक जे थोड़ा सा कमाए खाए वाला व्यक्ति बा वो भी सरकारी स्कूल में अपन बाल बच्चा ना पढ़ावे ला लो, काहे कि बाल बच्चा के भविष्य खराब हो जाए जी जी। ओकरा के नियम पर लगा कर वो स्कूल में हम भी पढ़ल रहनी, वो स्कूल एक दिन मतलब बढ़िया रहे, नमूना रहे, टॉपर रहे, लेकिन आज दुख के बात कहल जाए तो आज शायद कितना स्थान में गई बा वो भी ना कह सकल जाए ओकर भी, लेकिन पूरा प्रयास हमर रही स्कूल के नमूना फिर से बनावे खातिर जितना शक्ति लगावे परी लगावे में एक इंच भी पछाड़ी हम ना हटेम, इतना हम अपने के विश्वास और हम अपन गांव वासी के विश्वास दिलावे के चाहते हैं। अनुगमन कहाँ कहाँ कोई नहीं, अभी तक ले अनुगमन तो कैले हो के स्कूल में विद्यालय में स्वास्थ्य चौकी में अनुगमन में कहाँ पवनी अभी तक ले अनुगमन हमने के स्कूल में भी हमने के निमा भी स्कूल में भी अनुगमन हम कर चुकल बानी आधारभूत जोन स्कूल बटे, ओकरा बाद में हमने के मदरसा स्कूल भी बटे एगो मदरसा स्कूल में आज सुबह में हमने के अनुगमन हमने के कोई नहीं ऐसन अनुगमन में हमने देखनी ऐसन की जे अब कोठा जमा तीन बटे मदरसा में कोठा क्लास जम पांच क्लास तक ले होता है, एगो कोठा में दू क्लास दू कक्षा के बच्चा बटे उमे समस्या तो बहुत बाटे। आज तक ले हमने देखना समझे कोई थी मतलब भइल जे हिसाब से काम ना हो सकल उमे तो बजट कइले ही ऐसे पहले तो हम सुने में आइल रहे मदरसा में हर साल बजट ही जात रहे तो अब हर साल बजट चला अब बजट तू का भइल बा का धइले वारन लोग हम हेड सर हमारे हेड साहब मैडम बाड़ी हेड सर मैडम के हम बनिया जे यहां के अवस्था मतलब का कहले बानी लेकिन का दिल बानी लेकिन हम माँ ठीक भी कही नहीं है कि अपने पूरा हिसाब किताब का करे बा कथी कहले बानी का कहले बानी कितना रखले बानी लगिन सब चीज के अपने अपन पूरा लिस्ट तैयार करी व्यवस्थापन समिति डिजर्व बा वहाँ व्यवस्थापन समिति गठन करी व्यवस्थापन समिति के तबे कोनो बढ़िया काम होके सकी बिना मेह के तो दौरी ना हो सकी तो वो हम निर्देशन भी हम अपन देनी है आज आत्मन निर्देशन देके आइल बानी वो करे के हगी ना देनी है देनी जी। दोसर विकास भी बा महिला बाल बालिका दलित लोग के भी विकास करे ला कुछ करे के पड़ल भौतिक विकास रोड नाला भी लोग हर सबसे बेसी मांगे ला विकास रोड रोड भी लगभग लगभग जवन भी हमने माननीय प्रदीप जी के और माननीय हमने के जन्नत अंसारी जी के रोड नाला बनैले वाणी सन एगो नमूना के रूप में वहाँ हमनी के वार्ड में बनल बाटे अपने आ अब अपने बन रहा अभी भी बन रहा बा हमनी के अब पूरा प्रयास रही कि जे आवे वाला पांच बरस में शायद हमनी के गांव वासी लोग के गोड़ में पाक ना लागी कह के इतना विश्वास दिलावे यानी कि प्रतिबद्धता बा हर एक टोल टोल में गली गली में कमती में ढलान जरूर हुई है कि ना एकदम एकदम। और दूसर दलित लोग के बाहुल्यता बा महिला लोग बाल बालिका लोग सब के विकास के खातिर तालीम सिप मूलक तालीम के आवश्यकता पड़ेला बजट भी अभी लगभग लगभग बनावत होके सब के अवस्था कैसन बा बजट में सब के भी समावेश करे के अपने के सोच के बजट में हम हरेक सेक्टर के समेट के हमने बजट तैयार करम सन महिला के भी बाल बालिका के भी पिछड़ल समाज वर्ग के भी दलित के भी टोटल हमनी के पूरा लक्षित वर्ग समेट के स्कूल स्वास्थ्य रोजगारी
सबके समेट के हमनी बजट बनाए, यानी कि बजट बनावे के अभी अपने क्रम में बानी है कि ना? एकदम आम जनता के कही ना कि वड़ा अध्यक्ष के बहुत सारा अधिकार बाटे, बहुत सिफारिश करके अधिकार बा, आम जनता ला कितना देर उपलब्ध रहे में अपने? अभी नवीन जस्ट हम मतलब अभी 5 मिनट भयल अभी वार्ड करेले से निकलला, सचिव साहब लोग के भी पूरा निर्देशन देले बानी जे हमर टाइम से जितना टाइम हमनी के ऑफिशियल टाइम जनता वहाँ ओकर काम रहे ना रहे उसे मतलब हमरा नहीं थे, हमर टाइम भर ऑफिस में बैठे के पड़ी, जेकरा जमना वेरा जरूरी पड़ी वो वेरा काम अपन जाके कराई, हमें कहीं कोनो दिक्कत नहीं थे, लेकिन टाइम भर हमनी के ऑफिस खुले के टाइम ऑफिस पहले तो 12 बजे लेट ना होके, 2 बजे के बाद भेंट ना होके, ऐसा किस्म का अवस्था भी रहे, लेकिन अपने से क्योंकि साथ में रात में भेंट करके हुई तो क्या करे, एकदम 12 बजे रात के जरूरी पड़ी तो 12 बजे रात के भी काम हुई, एमे कहीं दिक्कत ना हुई, कैसे कि हम मतलब एगो निर्णय करे के व्यक्तिगत भी क्षमता अपना साथ बाटे, कैसे कि कोनो भी कैसनो भी कागज पढ़े के देखे के बुझे के समझ के चीज तो हमारा लगे बाटे, की बात नहीं है जो हमारा कागज ले के दूसरे के दिखावे के परी, समझे के परी, बुझे के परी, बुझावे के परी, कह के तो हम कोनो भी ऐसा काम हो 12 बजे रात के जरूरी पड़ी वैसा हमारा समाज खातिर तो बोला पछाड़ी हम कभी भी ना हटे, हटल भी नहीं थी हटेम भी ना। अंत में बानी सन आम जनता वोट जे देले बा जे नहीं खे देले ओकरा के का कहे बड़ा वासी के, जे वोट हमरा के देले बानी लोग वहाँ लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद देम, जे हम हमरा के विश्वास कइनी लोग, विश्वास करके ई जगह पर पुगनी लोग, कैसे कि कहल जाए तो चुनाव जौन भइल हमनी के चुनाव बहुत और सब कैंडिडेट लोग के हिसाब से हमर आर्थिक अवस्था एकदम साफ पूरा कमजोर, ऐसे भी हम एगो सामान्य परिवार से बानी, एगो गरीब परिवार से बानी, कौन मतलब धनकार चाहे कौन यदि नहीं थी तो वो हिसाब से उ लोग के हिसाब में हम मतलब पूरा एकदम गरीब परिवार के बानी, लेकिन हमर के समाज हमनी के गांव वासी लोग हमरा पर विश्वास कैलक, विश्वास करके वोट दिलक जे आज जगह पर बानी, अगर वो विश्वास हमनी के गांव वासी लोग हमरा प्रति ना कैले रही तो हम ये जगह पर हम ना पुगल रहती, सबके धन्यवाद, विश्वास ई विश्वास मतलब उ लोग के कभी भी हम टूटे ना देम कह के विश्वास उ लोग के दिया के चाहतनी, ओकरा साथ साथ हमरा के जे भी मतलब वोट साथी लोग ना दलक उ लोग के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे, कम से कम ई मौका भी देले वालन लोग की जे वोट ना दलन लोग तो उ लोग के कैसे हम अपना प्रति हम आकर्षित करी कह के इतना कम से कम मौका भी देले वालन लोग जे ना तो सबके टोटल लोग वोटे दे दी तो हमर कहीं दोसर किसी के बता की, लेकिन अब उ लोग भी वोट नहीं थे देले तो उ लोग के केन हम अपना प्रति आकर्षित करन करके इतना के खातिर उ लोग चैलेंज देलन लोग ओकरा खातिर भी वहाँ लोग के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देन, और आने वाला दिन भी मतलब एगो मार्ग भी देश लोग जहाँ मतलब ना इसी वजह राय सलाह भी देश लोग राय सलाह की भी अपेक्षा करत, जिस सब लोग साथी लोग के और मतलब लोग के हम धन्यवाद देवे की चाहें। जी 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 धन्यवाद बड़ा राजीव धन्यवाद, हमने के समय खत्म हो गया, हमने 1-2 महीना बाद फिर से अपने से इंटरव्यू लेम सुन का कि अपने काम कथी कथी कहनी ओकरा बारे में भी पूछम, तो अभी खातिर बेस्त समय के बावजूद भी अइनी एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमर बात हम के समाज में हमर गाँव वासी में हमर रखनी ओकरा खातिर अपने लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हमर व्यक्तिगत तरफ से, नमस्ते जी। माननीय वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 30 के वार्ड अध्यक्ष मनोज कुमार यादव वहाँ से बातचीत कैनी सन, अभी कही ना कि काम का कर रहा बानी, नया नवनिर्वाचित वार्ड अध्यक्ष बानी, वहाँ के विजन वहाँ के योजना के बारे में जानकारी लेनी सन, आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुका बा, बयान फिर से आयम सन दोसर अतिथि दोसर विषय के साथ, तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद, टेक्निकली सपोर्टला विशाल के धन्यवाद देते राम मंडल के बिता दी, नमस्कार।